का गुलाब का फूल लाल लाल और लाला की बहू माल माल। अरे क्या आखरा बाबा? कुछ नहीं यार, यार चप्पल मंगाओ थी बेचारी पेट मत मंगा मुझे क्या, आपका कतरे नंबर क्या होगी तेरी, तुमने चप्पल दिया फिर तू गिरा क्यों? अरे मैं चौप रहा था, चौपते चौपते पीछे गिर गया, खिलाड़ी नहीं गिर जाते का? हाँ चल ठीक है बाबा, रीप को ना ईद की नमाज नहीं होने गाँव। मतलब और कहाँ होगी? दिल्ली मुरादाबाद में होगी। तुझे कितना बता दे दिल्ली मुरादाबाद में होगी? बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग रहे गाँव में, बाहर जाकर देख का। अच्छा जी, वहाँ पढ़न कौन जाएगा भाई? जिन्हें तरावी पढ़ी और रोजे रखे में जाएंगे और का तेरे से चल जाएंगे। पता ही होगा, तुझे कितना बता दे, चल हमें दिखा कहाँ बोर्ड। हाँ चल दिखा दूंगा। ठीक है। ये क्या कर रहा है बा? भले आदमी रमजान का महीना चल रहा, मैं तो बेचारी को सलाम कर रहा था। अच्छा कर भी हो सलाम? हाँ और इस रूप नहीं होता। चल फिर तुम आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। जाकत हो जाकत, मतलब मेरा भी और तेरा भी। पेड़ मीठे दोनों बापूत इतने आराम के। आओ देख बाबा, वो लग रहा सामने बोर्ड देख। पढ़ा सुनाइए क्या लिख रखा है। ईद उल फिल्टर की दिल्ली मुरादाबाद। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी समझा रहे थोड़ा। ईद की नमाज दिल्ली और मुरादाबाद में होगी। अगर स्कूल पर टाइम पर चला जाता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ा था। क्या दिन नहीं देखना पड़ा, साहब ने लिखा हुआ है। इसका मतलब ईद उल फितर की दिल्ली मुबारकबाद, मतलब ईद की जो है दिल से मुबारकबाद। अच्छा वो कहना चाह रहे हैं लोग। चल ठीक है, तेरा सोरा पागल। अरे एक काम करिए, यहीं रहिए, भैंसों को घास घेर लिया, बर्सी ले आइए, मैं जा रहा टेलर को कपड़े देने। तू नहीं ला सकता का बर्सी और घास, तू नहीं घेर सकता। मैं वहाँ जा रहा है, मैं टेलर को जा रहा, बहुत मेरे पे एहसान कर रहा। मैं घास घेर उसके भैंसों को आप पर खोजो। अरे मुत भी नहीं घेरता। तुझे दिख नहीं रहा तो यहाँ धरना ले नहीं का? क्या करना है तो यहाँ से? मैं तो सामान धरन जा रही टांडी पे। अगर बर्तन रखने जा रही तो इंगेकुन जा सकती का? अगर मेरे सिर में बट गया आको, ले पकड़ इसको। हाँ भाई, हसस के किससे बात कर रहा? अरे कुछ नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फ्रेंड ऐप। हाँ भाई, इसके बारे में मैंने भी सुना है और काफी सारे लोगों को यूज करते हुए भी देखा है। हाँ ये तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा, 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे यूज करते हो। आप इसमें वीडियो एंड ऑडियो कॉल के जरिए नए फ्रेंड बना सकते हो। भाई ये ऐप सेफ है क्या? हाँ बिल्कुल सेफ है, अगर आपको किसी का बिहेवियर पसंद नहीं है ना तो आप उसे डायरेक्टली ब्लॉक कर सको, और वॉइस वेरिफिकेशन होती है, कोई फेक अकाउंट भी नहीं बना सकता, क्योंकि वॉइस वेरिफिकेशन होती है और आप खुद का अवतार भी क्रिएट कर सकते हो। भाई एक बात बता, क्या ये ऐप लड़कियों के लिए भी सेफ है? हाँ लड़कियों के लिए भी सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म हो, यहाँ आपको वेरीफाइड प्रोफाइल ही मिलेगी, और लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ी बात यह हो कि मैं महीने का 1 लाख तक कमा सको। वो कैसे? और मजे की बात तो यही, जो भी मेल यूजर्स अपने फीमेल काउंटरपार्ट्स को वेचुरल गिफ्ट देता है इम्प्रेस करने के लिए, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है भाई, बोरिंग और अकेलापन दूर करने के लिए फ्रेंड ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, या डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे फ्रेंड टाइप करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा मैं डाउनलोड तो कर लूंगी, पर इद्दी पे मुझे 1000 रुपए दिए। अरे ले लिए, 1000 नहीं तुझे 2000 दूंगा, 100 नेविल से बहन हो तू। चल दिमाग ना खाओ, और अच्छी खासी बात चल रही थी। हेलो भाई, दिल्ली से बोल रहा हूं जी। भाइयों मेरा कुत्ता भूखा हुआ निकला। भूखा हुआ निकला कहाँ से जी? छाती पर। तुम्हारे यहाँ तो कोई भी नहीं पीटी पीता जी, पूरी दुकान में कोई नहीं पीटी पीता जी। और कहाँ भूखा भाई? अजी आप जल रहे होंगे इसलिए भूखा होगा वो, नहीं तो हमारे यहाँ नहीं कोई पीटा पीटी बाजी। गलत हो, यहाँ ना लाइए कहाँ, यहाँ पीटी ना पिया कर। भले आदमी प्रेस तो भूखा, मैंने थोड़ा ही भूखा। मेरी दुकान बाज के बाद आने चाहिए, दफा हो जाए जुल्फैये। अरे ले मैं नहीं करता तेरे धोरो काम, तू नहीं कही था काम तेरे जैसे 70 फिरो मेरी दुकान में, समझ ले। देखे मना तेरे जैसे, मैं नहीं करता तेरे धोरो काम। कुछ हम नहीं बहू, कुछ हम जान ले फिर वो आलो मेरे धोरो जी से, काम पर रख लो, काम पर रख लो, उसे रमजान बाज भेजिए, फिर बताऊंगा तुझे भी और उसे भी किक्कर काम पर रखू मैं।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कपड़ा देखो बहुत बढ़िया, बहुत महंगा ना। कौन मरेगा? हाँ कौन मरेगा, किसके कफन का लाए हो? कफन? ईदगाह मेरा। ईदगाह? के रुपए दर्जन लाया? 300 रुपए मीटर, मीटर के हिसाब से मिला हो। मीटर में तो हमारे यहाँ दर्जनों में मिलो, समझगा नहीं? किसका सिलवा होगा? मेरा ही सीधा ईद का नापा तो मैं ले लूँ 1000 रुपए हो मेरी सिलाई के। 1000 रुपए सारी दुनिया का 300 में सी रही? जो 300 में सी रहा और उस पर सिलवाइए। मैं तो लोगों का काम करता भी नहीं, मैं तो ऑटो का शुरू कर दिया, उनकी लू नापे पकड़ी से चल डर लंबा। किसी और पर सिलवा लूँगा, तेरे नंबर कुछ ज्यादा बढ़ रहे फांचे से। फांचे फांचा पहुँचाना क्या? 800 रुपये दे दिए लास्ट। 400 रुपये दे सको, हर जुम्मे को दे दिए। कितने रोजे बैठ रहे जुम्मे को? 14 रोजे कुछ आ रहा। आजा चल नापा दे, परवेज लिखिए वो भाई। बता कुछ है भी तेरे भाई, तेरे पर छाती टक नहीं आई। अरे नीचे बहुत कुछ हो तू ना पाले। नीचे बहुत कुछ हो। 36। चौबीस चौबीस। इस पर नीचे भी कुछ नहीं है। अरे मेरे पे कुछ होना हो तो नापा लेना, तुझे उसका क्या मतलब? चल ले लिया नापा चल। इसका कुर्ते की हाइट तो ले लो। क्या हाइट ले लूं मैं, आदमी को देख पर नाप दूं? चल अरे चल खो जाओ तेरा। 14 रोजे को दे दियो। मिल जाएगा ठीक हो। 800 रुपये लेगा ये? 800 रुपये नहीं मैं दूंगा, 600 नहीं तो कुर्ता ले जा रहा। चल ठीक है 600 ही ले आइए। ठीक है भाई, इसके पजामे के ने रोटी बना दिए साले की, ठीक है। हाँ लास्टिक वाली जिस तो टट्टी भी गई तो डर देश नीचे। वासिफ तू यहाँ काम कर रहा था? मेहमान आए हुए। मेहमान आए हुए? मेहमान कौन आए हुए भाई? मुझे लगो रिश्ते वाले भाई। हाँ? रिश्ते वाले भाई। अच्छा अब रुक तो जा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो जी? बढ़िया बेटा। अब्बा ठीक हो? हाँ क्यों मजा भी, तू दवाई लेकर दिया ना मैं बीमार जाऊँगा। लाभ कुछ दिए। ये लड़का है क्या आपका? हाँ जी हाँ, हमारा ही लड़का है। हो क्या काम करते हो? मैं कुछ नहीं हो तो बहुत बड़ा बिरान हो हल्ली। बिल्कुल बाबा मजाक करो जी, मेरी तो खुद की फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ। खुद की कंपनी? हाँ जी मेरी फैक्ट्री, और किसकी होती है? कमा लो, मैं 10-12 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। मैं फालतू फूलतू की बोला, रोजा लग रहा था तुझे? हाँ जी सर रोजा लग रहा, देखो वो पता नहीं क्या बोलने जा रहा। रोजा कहाँ तक लगेगा, रोजा तो हम रखते हैं ना, ना तू रखो ना हम रखो। ऐसा हो मजाक का टाइम नहीं है, इन्हें सच सच बता हजरत जी को। सच सच ही बता रहा, बाबा भी कमा लो जी 5-7 हजार रुपए महीना, और मैं कमाऊंगी 10-12 लाख रुपए महीना। कोई बात नहीं, अभी मैं हिसाब निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ है भाई? तुम्हारे पास बैठ के कंसेशन मार के 25,000 रुपए बैठ गए भाई तुम्हारे पे। मतलब 25,000 रुपए महीना चाह रहा आपकी लड़की को खर्चा? शुअर कहेंगे 25,000 रुपए जकात के बैठ रहे। जकात के मतलब? मदरसे आए हम रसीद काटन। मदरसे आए? ए बाबा बाबा मैं तो सोचा है रिश्ते वाले। रिश्ते वाले जा रहे सुअर को रमजान मोमिन रुका जा रहा है सुअर पर। क्या बात होगी भाई? देखो बात सुनो, ये एक नंबर का बिरान है, मैंने पहले ही कहा था। इसकी जैम मतलब 25 रुपए करने के चार 80 ले लो। यार कैसे यार, मतलब थारी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई नहीं कमाते 10-12 लाख। अरे हम तो एक नंबर का बिरान है। मूड खराब कर दिया, लास्ट 100 रुपए की रसीद तो कटवाए दो जब आए गए यहाँ। अजय मारा बनी 100 रुपए में तो बाबा को दे दिए थे भाई, समझो रसीद ही कट गई। चल बे चला के जाइल के आ ले खड़ा सौरे कछुए से। कम से कम पहले बात को पूछा करो, कौन हो कौन नहीं। देख मेरी बात सुन ले बाबा, इनमें बिना ब्याह के रहने का नहीं। बा रुक जा, ईद बात देखेंगे। ईद बात क्यों करेगा? ईद बात तो अपना करेगा, मेरा करेगा, किसका करेगा? मुझे विचार ही इतना पहले कहूँ। धनो का करेंगे, नो टेंशन लो तू, लेकिन करेंगे ईद बात। मैंने कह दिया बाबा ईद तो पहले चार ही, ईद तो पहले नहीं था, मैं किसी की बहू लेगा। मैं करवाया, मैंने करवा सुअर जान तो मार दूंगा। अब प्यार तो कितना समझा दो, समझे सुरों को कत ही सुनते ही नहीं। चल अच्छा मुझे कपड़े तो ले दे ईद आलिम। कपड़े कहाँ तो ले दे, एक महीना पहले 2 जोड़े लेकर दी थी उसके सलमान के ब्याह में, मैं कहाँ गई? उन्हें क्या कहो तू, ईद आली ईद के नाम की लेकर दे। उन्हें मतलब पहले मेरे पे तो कुर्ते हैं था, इसलिए मैंने सिवा दिया है, नहीं तो मैं एक साल हो गया सही पहनना। तो मुझे ईद के कपड़े लेकर दे, बता रहा मैं तुझे। मैं लेकर देता नहीं, देनी पड़ेगी। हाँ तू अरे 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 पापा चल यहाँ से, चल चल मेरे घर से।
सुअर रोजा कैसे लग रहा है ये सुअर? मास्टर इसे कितनी बोरी करनी? किसका भाई हो? सुपियान का। इसके 18 गड्ढे अगर नो हो उसके बाबा ने कही थी थोड़ी दिल्ली ठीक हो। ठीक है जी। परवेज इस तो पैसे ढंग से ले ले पिछली ईद के भी दे दे। जी भाभी जी मेरा ब्लाउज ढीला सिल लिया तुमने ढीला। अजी वो आपको ब्लाउज ढीला आ रहा होगा मैंने जानबूझ को करा था जी। क्यों? अजी वो रमजान में क्या हो ना मैंने सही थोड़ा फिटिंग ली रमजान के बाद आ जाओ बढ़िया वाली फिटिंग कर देंगे तारी। चलो ठीक है मैं आती हूँ। जी रमजान के बाद आ जाओ बढ़िया वाली फिटिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ जो कुर्ता दे दो और क्या बस कुर्ता हो गए 20 दिन। 20 दिन कहाँ 14 दिन में कहा था मैं 14 बजे कुछ आएगा। तू नहीं था कहा था 14 दिन में हमने कितने दिन में कहा था? 20 दिन में। 20 दिन अरे तुम नहीं तो 20 कहे थे मैंने कहा था 14 में चाह रहा मुझे और तुमने हाँ भी करी थी याद करो। हाँ तो हम सुबह तो शाम तक 72 बार करो बारे में नहीं फर्क पड़ता। अजी ऐसा ना करो मुझे जुमा पढ़ना देखो 20 बजे जो गुली आई हुई यानी वो भी तैयार। चलो ठीक है 20 बजे को ले जाऊंगा लेकिन 20 बजे कोई भी हंगामा ना बनाइयो। ना ना क्यों बहाना मारेंगे भाई तेरा सिल को देंगे। ठीक हो ठीक है। भाई कपड़े कपड़े बनाए ना आई कपड़े वो अब्बा को कहा ना मगा कुर्ता पजामा बनवा दे तारी लात मारी। भाई थारे ठीक है हम तो भाई सहारनपुर से ले कपड़े देख इबको। हाँ सहारनपुर से बनाए सहारनपुर से भी तुमने मंगल बाजार में ही बनाए होंगे। अरे भाई क्यों बहस रे क्या बात हुई? बात क्या हुई मैं बाबा को कपड़ों को कहा मैं कपड़े बना दे तारी लात मारी यार। तो क्या बड़ी बात हो गई लात तो मारी थे। हाँ ठीक है लात मार रहा बाबा मेरा अगर बाबा ना होता ना उसको लात ऐसी मारते आज रखता वो भी मूड मेरा बहुत खराब है। अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इस बार ईद पर कुर्ता पजामा तुम्हें मैं बनवा दूंगी। तू क्यों देगी मुझे कपड़े लोग दे तेरा यो ही सदे। अरे यार वो बात नहीं है मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए थे ज़कात के हिराद के किसी गरीब को कपड़े बनवा देना। एक काम कर अपने बाप को ही कह दिए 1 बीघा जमीन बेच को सीखे कपड़े बनवा दूं आबा इधर समझा लिया बता रहा तुझे भी क्या क्या देख लेंगे 15, 10, 21, 22, 36 भैया 36 किस तरह हो सको इसकी उल्टा है इंची टेप। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी 25 28 दूसरी टांग 29 छोटी बड़ी टांग मुझे क्या पता लंगड़े का होगा तेरा बाबा लंगड़ा है तेरी माँ बाबा। हाँ जी बेटा चल भाग जा अरे अपने बाप को कह दिए ना आज पूरा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकर थारा ही गयो मारा की होता पड़ोसी होगा ना आज पर सिलवाओ कपड़े तो मारा भी नाच पे सी दिया ना मारे पता क्यों हजार मांग रहे थे तुम तेरे बाप को भी जमीन दिहाड़िया तो तुम करते फिर ला लागू जमीन ने कोटा तो मिल ही रहा ना जा रहा उसमें कोटा तेरे बाप का हमारे टाया का मोदी का। अरे मोदी मारा भी था प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो लगो ही मारा भी प्रधानमंत्री। चलो इस बात को छोटो कुर्ता तो तुम कुर्ता तो नहीं आया तेरा सिलाओ कुर्ता क्यों तैयार हुआ? अरे 20 बजे जो कहा था मैं 24 बजे को आया इसीलिए यही तो नहीं सिलाओ अगर तू 20 बजे को आता हमारे आज रहते जी आज ही ना भेज दिया मेरा आई नहीं मैं क्या करूँ तब जानू बता क्या करना साफ साफ बता तेरे बस का है या नहीं है क्या करना क्या भाई मारे बस का नहीं है वो भाई पर इसका कुर्ता टाइप को कहीं तो दे मारे बस का नहीं अपना कहीं और सिलवा ले मुझे पता था पहले ही तू तो अन करवा तेरे बस का आएगा कभी कुछ काम शोर चल यहाँ तो चल दुकान पर आने जाइए आज के बाद। ओ बेटे हाँ जी ले नाप लिए टाइम नहीं आया जी अरे टाइम भी लग जाएगा तू हाथ हो अरे 4 दिन रह गए काम ज्यादा हो रहा है टाइम आए। अरे भला बेटे एक काम कर 200 रुपए पूरे फालतू दूंगा क्या 520 रुपए फालतू दे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। चल ठीक है भाई भी देखो पुराने में पढ़नी पड़ेगी अपना पुराने में पढ़ लो। क्या हाल है जी? ठीक है। लो नापा ले लियो अपने बनने के चलने का नहीं कहा ना चलने का मैं एक हकीम साहब से ना खोज मैं 30 रुपए को धरिया था उसको कल को सीखा जाऊंगा सुबह का लेगा इसको। हाँ ठीक है उसके ले जा उस्मान ले इसकी जेबा बना दे छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्यों आया दुकान पे? देखो जी ऐसा हम मैं लाया था 30 रुपए को कुर्ते का कपड़ा यहाँ से। अच्छा इब जब मैं 24 रुपए को लेगा था एक टेलर ने भी नहीं पकड़ रहा इसे तमीज हो गया
हम क्यों सुनाऊंगे दो दिन ईद के मैं नहीं का भाग जैसे ले तो तुम्हें 27 दिन दिए थे ना थारा आग बनाए सीने का सी हो मैं सीऊंगा मैं सी तो दूंगा रुपए लूंगा 1100 कम 1100 नहीं 1200 लो लेकिन कुर्ता सी को दोगे और मिलेगा तुझे ईद की नमाज तो 1.25 मिनट पहले 1.25 मिनट पहले मैं पहनूंगा पहनने में 5 मिनट लग जा नमाज निकल जाएगी 1 घंटा पहले दू कम तक क्यों ऐसा क्या क्या पहन रखा है तूने धोती के नीचे है भाई 2 मिनट नहीं लगती सारे काम करने में पता तो मेरा चेकअप ना करा कुर्ता सी दी 1 घंटा पहले दिए तो 1100 रुपये जमा कर अरे जी कुर्ता सिवा जी भेजा दूंगा दे राजन नीचे ठाक लिकट चल पकड़ो लेकिन सीधी हुई उस तो नमाज थे 1 घंटा पहले आ जाइए 1 घंटा पहले मैं भूल जाऊं देख भाई मैं तो सुबह आ लूंगा यहाँ से ठीक है सुबह ना सवेरा ना ये अपना टाइम पाई 1 घंटा पहले चल ठीक हो ओ परवेज ले जा रही ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्यों आया तुझे जी क्यों कहा था ईद की नमाज 1 घंटा पहले आइए क्यों दुखी कर रहा हूँ मुझे आज बहुत बिजी हम अजय मुझे तो ना धो लूँ मैं कुर्ता दे तो बोल लो ना 1 घंटा पहले बोली पर ऐसा ही भाल देना ऐसे 1 घंटा बाद देना मुझे मेरा कुर्ता दे तो मैं जाकर ना नहाऊंगा धोऊंगा मैं देने का नहीं जो टाइम दिया था उसी टाइम पर दूंगा बैठा रहो यहाँ चुपचाप नहीं तो कुछ कूटे काटू हाँ समझ गा हाँ हेलो पूरा 1 घंटा रहेगा बेचा कुर्ता दो मेरा टाइम देखो चाह ओए दे दे इसका कुर्ता शुअर का चल ले एक लिगड़ अगर इसका तो देख चेक तो करके देख लो एक बार फिटिंग फाइटिंग सही भी आई है नहीं 1100 दे रखे उस्ताद एकदम चिकना लग रहा बहुत जोर होगा कहाँ चिकना बताओ तू अरे नया फैशन चला करी चल ले जा 1100 रुपये दे रखे अस्टिना लगा के दे मेरी 1 घंटा भी अस्टिना लगवानी तो भाई एक कुटे के बाद लगोगी जाकर सीरा जोश के बाद अरे बाबा कहाँ रहेगा जल्दी आ रहा ईद की नमाज में 1/2 घंटा रह गया बाले बेटे अस्टिना रह रही है कुर्ता तैयार हो लिया मेरा अच्छा चल ठीक है जल्दी आ अजी लगवा दो 1/2 घंटा रह रहा भाई तुझे पहले ही कहा था मैंने मका कुर्ते के बाद तो कुर्ते के बाद ही लगा चुपचाप बैठा रहो ठीक हो अरे बाबा कहाँ रहेगा ईद की नमाज में 15 मिनट रह गया ईद की नमाज के बाद होगा बाल यार तू एक काम का छटाई ले गई ईदगाह पहुंच में पहुंच रहा मैं भी ठीक है मैं जा रहा जल्दी आ तू ठीक हो अजी 15 मिनट रह रही साल में एक बार तुहारा वो नमाज पढ़नी देखो कुर्ता तैयार करवा दो ओ भाई बेटे देश का कुर्ता हो यानी का जी हो गया थैंक यू जी थैंक यू चल थैंक यू कुछ नहीं भाग जा जल्दी यार दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह कुर्ता पहन लो बस यहीं तो चल रहा है ना कहीं काम हेलो हाँ बाबा बाल यार 1 मिनट में कुर्ता पहन लिया मैंने नवा बस इतना ये तो नमाज होली हेलो भैया क्या करूं मैं इसका कुर्ते का ईद की नमाज भी हो ली और किससे तूने अब तक बिल लगाए चल कोई बात नहीं भाई वो कुर्ता काट का हमें देश में किससे लगा देंगे अगले साल ईद की नमाज तो 2 घंटे पहले ले जाइए हेलो दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर करके बता दे और आप सभी को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी ईद ईद मुबारक आप सभी को और दोस्तों ऐसे टेलर आपके यहाँ भी होंगे जो ईद की नमाज के बाद कपड़े दे तो भाई उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि भाई ऐसा ना करो बाजे बाजे की नमाज उनकी दुकान में ही हो जा तो लव यू ऑल फैला दो और दोस्तों एक और अपडेट देना चाहता हूँ इसी के साथ में हमारा न्यू सॉन्ग आने वाला है ट्यून विज हरियाणवी पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ट्यून विज हरियाणवी जाके सर्च करो और वीडियो को बहुत सारा प्यार दे भाई दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फुल दबा के कर दो हिम्मत के साथ हाँ हिम्मत के साथ बिल्कुल तो लव यू ऑल और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।